हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? ओके, सो लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किया था। मैं इनवर्स मैट्रिक्स तक तो सबको क्लियर हो गया था सारा कुछ। सो लेट मी गिव यू टू थ्री प्रॉब्लम्स वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चन अभी मैं डिस्प्ले कर रहा था उसको अभी नहीं करना, पहले एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं, राइट? तो मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, आप उसका इनवर्स लिखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन एज टू माइनस टू एंड माइनस फोर एंड माइनस वन, थ्री एंड फोर, वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यू हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कि आपने जो जो कुछ भी किया था उसमें व्हाट वाज ए इनवर्स। तो हमने फाइंड किया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ए क्या होता था? एडजॉइंट ए यूज्ड टू बी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता था? बाय रिप्लेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद इट्स कोफैक्टर। सो फटाफट वर्कआउट करते हैं जी। पहले हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, ना, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के साथ साथ हमें डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटर है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट सिंगुलैरिटी का टेस्ट करो कि इन्वर्टिबल है या नहीं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए क्या है? फटाफट बोलो, व्हाट इज डिटरमिनेंट ए? इट इज टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस नाइन प्लस एट, माइनस वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री माइनस फोर, माइनस वन एंड माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय, हाँ बोलो, माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय टू माइनस थ्री इज माइनस वन। सो फाइनली इट टर्न आउट टू बी माइनस टू, माइनस टू प्लस फोर। डिटर्मिनेंट ए इज जीरो। अरे फर्स्ट रो से मैंने एक्सपेंड किया स्ट्रेट अवे, तो फर्स्ट एलिमेंट टू था, उसका कोफैक्टर था माइनस नाइन प्लस एट इज माइनस वन, ये क्लियर है। सेकेंड एलिमेंट माइनस टू था, नो डाउट, बट ये वन टू एलिमेंट है तो नेगेटिव ऑफ माइनर लिखना पड़ेगा, तो प्लस टू लिख दिया मैंने एंड आया इधर थ्री माइनस फोर माइनस वन, ये भी ठीक है। लास्ट एलिमेंट माइनस फोर था मल्टीप्लाइड बाई टू माइनस थ्री माइनस वन, तो ये प्लस फोर हो गया, बेसिकली आया माइनस टू प्लस फोर, कितना आ गया? जीरो।
तो हमने क्या बोला कि ए इज नॉट इन्वर्टिबल. क्यों नॉट इन्वर्टिबल है? बिकॉज ए इज सिंगुलर. सिंगुलर मैट्रिसेस इन्वर्टिबल नहीं है. दूसरे क्वेश्चन पे जाओ. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स फॉर द मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 0, 1, 2, 1, 2, 3, and 3, 2, 1. Quick. Find out the inverse of A. Adjoint A as well as inverse of A. So again, first you calculate the determinant A. पहले डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट करो, सिंगुलैरिटी टेस्ट करो. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां पर दिख रहा है जी, क्या आ रहा है? यहां पर भी वही कर लो, फर्स्ट एलिमेंट से ही वर्कआउट कर लो, फर्स्ट रो से. तो ये आ गया तुम्हारा 8 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 6 इज माइनस 4. ये भी क्या गया? जीरो. तो जब भी डिटरमिनेंट आपको जीरो मिलेगा तो ये इन्वर्टिबल नहीं है. अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, राइट? मैंने थोड़ा सा चेंज किया सो दैट इट बिकम्स इन्वर्टिबल. तो मैंने यहां पर इस एलिमेंट पे चेंज कराऊ, मिडिल एलिमेंट पर. इसको अगर मैं कर दू 3, 3, 1, कैलकुलेट करो, इसका निकालो. तो सबसे पहले हम इन्वर्टिबिलिटी का टेस्ट करके ही आगे वर्कआउट करेंगे, ये ध्यान रखना आपने. तो चलो जी ठीक है, यहां पर भी वही है, फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, सेकंड एलिमेंट में आपने लिखा -1 -8 तो 8 आ गया. थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? +2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6 -3. इट कम्स आउट टू बी 2. क्लियर है? तो हमारा आया डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है. 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल है. अब इन्वर्टिबल है तो इनवर्स लिखो फटाफट. तो लेट्स फाइंड आउट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. अब इनवर्स के लिए हमें को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज, राइट? तो मैं ये स्पेस वेकेंट कर लेता हूं. हाँ जी, so let's find out the adjoint directly. Adjoint of A. Adjoint A by determinant A is A inverse. And therefore it is 1 by 2 times. Let's write the adjoint matrix of the matrix A. Diagonal element को cofactor से replace कर दो. तो C11, 2 माइनस 6 माइनस 4. सी फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालो और फर्स्ट कॉलम इंसर्ट करते जाओ. C12, C12 इज व्हाट? 8. 1 माइनस 9 माइनस 8 का नेगेटिव 8, तो 8 यहां आ जाएगा 2-1 पोजीशन पर. C13, मैं पहले इसका कोफैक्टर फाइंड किया, फिर मैंने इसका फाइंड किया, अब इसका फाइंड कर रहे हैं. C13, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 इज -3, -3 इज हियर. एंड सेकेंड रो पे चलो, सेकेंड रो 2-1, 2-1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? तो 1 माइनस 6 इज -5, +5. 2-1 एलिमेंट का कोफैक्टर 1-2 की जगह पर +5. टू टू एलिमेंट का कोफैक्टर
फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में, एडजॉइंट ऑफ के लिए हमने ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। तो टू टू एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, टू टू माइनस सिक्स, तो हेयर इट इज माइनस सिक्स। टू थ्री एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री, तो हेयर इट इज थ्री। एंड थ्री वन एलिमेंट का कोफैक्टर, थ्री वन एलिमेंट का कोफैक्टर है थ्री माइनस सिक्स, थ्री माइनस फोर इज माइनस वन। थ्री टू एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, माइनस टू नेगेटिव प्लस टू। एंड थ्री थ्री एलिमेंट लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, माइनस वन। ए वन वन की बात कर रहे हैं आप, सी वन वन इज टू माइनस नाइन, ओके टू माइनस नाइन इज माइनस सेवन, ओके 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 ठीक है, दिस इज ओके। बेस्ट ऑल। अब हाफ से ये हो गया तुम्हारा एडज्वाइंट ऑफ ए, राइट, एडज्वाइंट ए को हाफ से डिवाइड कर दो, इस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द आंसर। ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आया, माइनस सेवन बाई टू, फाइव बाई टू, माइनस वन बाई टू एंड फोर एंड माइनस थ्री एंड वन, माइनस थ्री बाई टू एंड थ्री बाई टू एंड माइनस हाफ। ये तुम्हारा आ गया इनवर्स। अब ए इनवर्स जो हमने कैलकुलेट किया वो काउंटर चेक कैसे करते हैं कि सही है गलत, तो उसके लिए हम लोग ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। तो ए तो ऑलरेडी देख रहे हो, ये ए था, इसको हम पी प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, तो लेट्स मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। मैंने ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा, माइनस सेवन बाई टू, फाइव बाई टू एंड माइनस हाफ एंड फोर एंड माइनस थ्री एंड वन एंड माइनस थ्री बाई टू एंड थ्री बाई टू एंड वन बाई टू नेगेटिव। इफ यू मल्टीप्लाई एंड चेक वेदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स गेट्स जनरेटेड आर नॉट, तो ये तुम्हारा है ए इनवर्स इन टू ए, राइट। तो क्या है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम क्या है, फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू वन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो माइनस सेवन बाई टू प्लस फाइव बाई टू इज माइनस वन, भाई मिस्टर दमन जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी में क्या बताया था मैंने कि किसी भी नंबर को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी, ये मैट्रिक्स है सर, डिटर्मिनेंट नहीं है, तो हाफ जो होगा वो सारे एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई होगा, तो ट्रबल क्या बताओ। तुम्हारा मैट्रिक्स, हाँ जी चेक करो फटाफट, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या बन रहा है, माइनस सेवन बाई टू प्लस फाइव बाई टू, माइनस में यहां लिख दे रहा हूं, माइनस सेवन बाई टू प्लस फाइव एंड माइनस थ्री बाई टू जीरो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी देखो तो उसी तरह से आएगा, माइनस सेवन प्लस फिफ्टीन बाई टू माइनस वन बाई टू जीरो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम जीरो, थर्ड रो थर्ड कॉलम इज वन।
तो बिकॉज ए इनवर्स इंटू ए आई है, इसका मतलब जो भी ए इनवर्स हमने कैलकुलेट किया ये बिल्कुल ठीक है। तो इनवर्स पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मेजरली आप इनवर्स जो है एडजॉइंट मेथड से ही कैलकुलेट करोगे, इसलिए इनवर्स वाली प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं कुछ सम्स आगे कैरी आउट करते हैं। इनवर्स की प्रॉपर्टीज आपने करी ली थी सारी, आई होप यू रिमेम्बर दोज प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। इट सेज दैट प्रूव दैट ए इनवर्स इनटू बी इनटू ए रेज टू द पावर एम इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी रेज टू द पावर एम प्रोडक्ट ए। A and B are given two square matrices of same order and A inverse is multiplicative inverse of A. इसका मतलब है कि matrix A singular नहीं है, non-singular matrix है। अब ये property पहले समझो कि ये है क्या, actually ये आगे चल करके as a property इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई structure है A into A inverse into BA, means if a matrix is pre-multiplied by inverse and post-multiplied by the matrix A, or it is pre-multiplied by matrix and post-multiplied by inverse of matrix, and you raise the power of this product of three matrices to m, this m power gets raised to the middle matrix. This is the theorem which is to be proved. इसको प्रूव करने के लिए देखो दो बातें हैं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये वैलिड है, और बिकॉज ये जनरल एम के लिए प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि पीएमआई के स्टेप्स पर जाओ, तो पीएमआई में हम लोग पहले वेरिफिकेशन स्टेप करते थे, है ना, तो चेक फॉर एम इक्वल टू वन, इस स्टेटमेंट को हम पीएम अज्यूम कर रहे हैं, पीएम एम इक्वल टू वन के लिए चेक करो तो वैलिड है, क्लियरली ट्रू है, क्योंकि ए इनवर्स बी ए होल टू द पावर वन इज इक्वल टू ए इनवर्स बी की पावर वन इनटू ए इज करेक्ट, इज ट्रू। ऑल्दो इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी वेरीफाई फॉर एम इक्वल टू टू थ्री एटसेट्रा, बट हियर लेट मी चेक इट फॉर एम इक्वल टू टू। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूं, मेथड में ये जरूरी नहीं होता है कि आप 2 के लिए भी वेरीफाई करो। m इक्वल 2 के लिए जरा करके देखते हैं क्या आएगा। a इनवर्स इनटू b a स्क्वायर, इट इज एक्चुअली a इनवर्स इनटू b इनटू a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स इनटू b इनटू a, एंड नाउ एसोसिएटिव लॉ विल lead to A inverse into B, A product A inverse into B product A. A product A inverse, this turn out to be identity matrix. I don't think there is any problem to you. So it converts to A inverse into B into identity into B into A. B into identity is B only. So it is A inverse into B square into A. So the result stands valid. That means one के लिए हमने check किया, वो तो verification step हो गया, two के लिए हमने कर लिया, तो इससे पता चल गया कि actually ये कैसे operate कर रहा है ये law, right? अब हम ये वाले step को, तो ये तो जरूरी नहीं था ना, it was not a necessary step, इसको हमने ऐसे ही check कर दिया था। अब हम procedure पे जाते हैं। Let P K be true. That is, assume कर लिया A inverse B A raised to the power K turn out to be A inverse B raised to the power K A is true. ये true है, ये assume किया। अब इस assume step से हम PK plus 1 की बात करेंगे, right? PK plus 1 मतलब when M is replaced by K plus 1. तो LHS becomes A inverse B A whole to the power K plus 1.
इट इज नथिंग बट ए इनवर्स इनटू बी रेज टू बी ए होल टू द पावर के इनटू ए इनवर्स इनटू बी इनटू ए. नाउ फ्रॉम अजम्पशन स्टेप दिस थिंग कैन बी रिप्लेस्ड एज A inverse B raised to the power K times A. तो यहां से assumed step से ये replacement कर देते ना, यहां से ये replace कर दो तो क्या मिलेगा? It is A inverse into B to the power K into A whole multiplied by A inverse into BA. Now associative law of the product of matrices again lead to A inverse into A product A inverse product B, A B to the power K. अब A product A inverse, this becomes identity, right? This is identity and therefore the result. A inverse into B product B to the power K into identity into B into A. So identity into B is B and B into B to the power K is B to the power K plus 1. So it is A inverse B की power K plus 1 into and that is RHS. So we start with LHS, we started with LHS and ended at RHS and so root. So now onward we will consider this as a theorem. What? If determinant A is not equal to 0 and A and B are square matrices of same order, then A inverse BA whole to the power K is equal to A inverse B raised to the power KA. So this we will keep in our mind और इसको यूज करेंगे. अच्छा, इसमें A इनवर्स और A की पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप उसको अपने आप प्रूफ कर लेना, वो भी प्रूफ हो जाएगा. तो ये क्लियर है, सभी को क्लियर है? जस्ट लेट मी नो इफ इट इज क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कई बार इस्तेमाल हुआ है जेई में. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जी. हाँ जी, वर्क इट आउट. The problem is that we are given a matrix 2 by 2 P having element cosine theta, sine theta, minus sine theta, cosine theta type. Cosine pi by 6, sine pi by 6, minus sine pi by 6 and cosine pi by 6. Hope you can identify the nature of this matrix and what is this matrix, right? Dekh ke aapko pata chal gaya hoga. Theek hai. And you are given another matrix A which is 1, 1, 0, 1. So you are given P, you are given A, and it is known that it is given that another a matrix Q is product of P, A, P transpose. Then you have to find out P transpose Q raised to the power 2, 0, 1, 2 product P. Your time begins now. Take 5 minutes and try to get me the answer in 5 minutes for this question. 5 minutes time मैंने दिया है. 5 minutes more than enough है अगर आप इसको analyze कर सको तो.
सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जी, आप देखना चाहिए था आपको। हर्षवर्धन हो गया बेटा? शिवांश ने आंसर किया, ये क्या आंसर किया तुमने? ओके गुड गुड गुड। देखो इसमें सबसे पहला तो ये ऑब्जर्व करना जरूरी है कि ये कितने लोगों ने इस मैट्रिक्स को पहचान लिया, कैसे मैट्रिक्स है ये? ये इसकी रो को देखो, दोनों रो का डॉट पॉइंट जीरो है, ऑर्थोगोनल है, वेरी गुड। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या पहचान थी, क्या खासियत थी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की खासियत थी कि ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स और ट्रांसपोज सेम होता है। तो सबसे पहली बात ये कि आपने बोला पी इज ऑर्थोगोनल, एंड दस पी इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, एंड देयर फोर पी ट्रांसपोज इज नथिंग बट पी इनवर्स। अब पी ट्रांसपोज पी इनवर्स है, द मोमेंट यू मेक इट आउट, तो ये तुम्हारा जो पूछा जा रहा है ना, जो पूछा जा रहा है ये एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है पी इनवर्स इंटू क्यू टू द पावर 2012 इंटू पी। अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये जो पूछा जा रहा है टू फाइंड, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस वी नीड टू फाइंड पी इनवर्स इंटू क्यू इंटू पी होल टू द पावर 2012, ये फाइंड कर। अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां से स्टार्ट करो, ये जो गिवन है। तो लेट्स बिगिन विद देयर, सिंस क्यू इज गिवन एज पी इंटू ए इंटू पी इनवर्स, है ना, बिकॉज पी ट्रांसपोज इज पी इनवर्स, सो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय पी and pre multiply by inverse of p, I'll get p inverse into q into p is equal to p inverse into p into a into p inverse into p। मैंने P से पोस्ट मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, और P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में। आई होप यू कैन सी दैट द थिंग इज वेरी सिंपल जो मैं करने की बात कर रहा हूं। व्हाट हैपेंड बाय दैट, P इनवर्स इंटू P रिड्यूसेस टू आइडेंटिटी, एंड राइट हैंड साइड P इनवर्स इंटू P ऑल्सो रिड्यूसेस टू आइडेंटिटी, एंड यू विल गेट P इनवर्स इंटू Q इंटू P इज नथिंग बट A। And therefore, P inverse into Q into P raised to the power 2012 is nothing but A raised to the power 2012, raising the power of both side by 2012. Using the previous theorem, the left hand side is P inverse into Q raised to the power 2012 into P. Right hand side is a to the power 2012. So you need to determine this.
दैट इफ यू सक्सेसिवली मल्टीप्लाई ए विद इटसेल्फ 2012 टाइम्स व्हाट डज इट रिजल्ट. सो इसको फाइंड करने के लिए अब देखो, जब आप किसी मैट्रिक्स को सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं मेनी टाइम्स, तो दो चीजें होनी चाहिए. या तो देखो उसके अंदर में पीरियाडिक मैट्रिक्स इस्तेमाल होगा, या तो आइडेंपोटेंट इस्तेमाल होगा, या तो निलपोटेंट इस्तेमाल होगा, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल होगा, तभी जाके आप उसके हायर पावर को प्रेडिक्ट कर पाओगे. अब जरा इसको ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स को. ये है तुम्हारा ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स, राइट. आई कैन राइट दिस ए मैट्रिक्स एज 1 1 1 0. यही था ना तुम्हारा. तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. किसमें ब्रेक कर सकते हैं? एक आइडेंटिटी में, क्योंकि आइडेंटिटी कम्यूटेटिव होता है, तो एक आइडेंटिटी में और एक निलपोटेंट में. निलपोटेंट प्लस आइडेंटिटी कर सकते हैं. तो मैं इस वाले मैट्रिक्स को बी बोल रहा हूं. बी प्लस आई लिख दिया मैंने, ध्यान से सुनना. बी प्लस आई, ये तुम्हारा B है और ये I है. और क्लियरली B क्या है? B स्क्वायर नल है. तो B एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है. अब आसान है इसको वर्कआउट करना. I कम्यूट करता है, तो मैं इसको लिखूंगा B प्लस आई रेस टू दावर 2012. क्या बन जाएगा ये? बिकॉज बी और आई कम्यूटेटिव होते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे यूज होता है वैसे ही करेंगे. 2012 सी जीरो इंटू बी की पावर 2012 इंटू आई, या आई प्लस बी करके लिखो तो ज्यादा बेटर है. तो रिवर्स एक्सपेंशन करते हैं, आई प्लस बी करके करते हैं ना. I की पावर एनीथिंग विल रिमेन I एंड B रेस टू द पावर, पहले में आएगा B रेस पावर 0, जिसको एक्चुअली I ही बोलते हैं. ठीक है, तो पावर 0 B, किसी मैट्रिक्स की पावर 0 करके आएगा तो आइडेंटिटी में, तो इसको हम I आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रीट करेंगे. तो ये I रहेगा प्लस 2012 C1 I रेस टू द पावर 2011, दैट इज I, एंड B. नेक्स्ट वन इज 2012 C2 इंटू आई इंटू बी स्क्वायर. अब बी स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ बी आर नल, तो ये सारा फॉरवर्ड मैट्रिक्स का सम क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स हो जाएगा. ये पहला वाला तो आई आई मैट्रिक्स आया, तो आई मैट्रिक्स मैंने लिख दिया 1001. एंड सेकेंड जो आया वो आया 2012 मल्टीप्लाइड बाई बी. बी मैट्रिक्स क्या था तुम्हारा? 0001. अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सबको दिख रहा है रिजल्ट क्या आएगा? ये तो नल था, इसको मैंने हटा दिया, इस पोजीशन को हटा दिया, ये रो को भी हटा दिया, इस रो को. आपको समझ में आई गई होगी. एंड द आंसर फाइनली कम्स आउट टू बी. मैं यहां लिख रहा हूं, ये मल्टीप्लाई होगा, यहां 2012 आ जाएगा, तो एक मैट्रिक्स बनेगा 101 एंड दिस इज 2012. अब देखो यहां पर दो बात है. ये मैट्रिक्स तो वैसे भी पिछली क्लासेस में डिस्कस हो गया था, याद करो कि अगर मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक बात जो आपको याद है, नहीं आई डोंट नो, कि अगर कोई मैट्रिक्स है ऐसा 1x01, याद करो ए, तो ए रेस टू द पावर एन जो है वो हो जाएगा 101 nx, because when you multiply such matrix by itself, this element gets added and remaining element remain as it is. तो वहां से direct भी आप workout कर सकते हो. अब देखो जो ये question अभी आपने किया, ये question JEE का पूछा हुआ question है, IIT JEE का previous year का question है, but calculation कुछ नहीं, concept है. अगर आपको concept clear है तो फटाफट आप ऐसे question handle कर सकते हैं. Next question पे चलते हैं जी. Given capital M is a 3x3 matrix where M transpose product M is identity matrix
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज गिवन एज वन, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस आई इज जीरो. आई रिपीट, कैपिटल एम एक 3x3 का मैट्रिक्स है, एम ट्रांसपोज प्रोडक्ट एम आइडेंटिटी है, एम सिंगुलर नहीं है, एम का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 दी हुआ है. प्रूव करना है कि एम माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैनिश करेगा. इसका इसका हो गया. कितने बच्चों का हो गया? जिसका इसका हो गया रेज हैंड.
ठीक है, देखो जिसका नहीं हुआ है उसके लिए। सबसे पहले तो देखो जो कैलकुलेट करना वहीं से स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ, हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई। आई क्या है, आई एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन आई कैन बी रिप्लेस्ड एज m ट्रांसपोज इनटू m। डिटरमिनेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पे होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिटरमिनेंट ए बी इज डिटरमिनेंट ए इनटू डिटरमिनेंट बी, तो मैं इसको प्रोडक्ट में ले जाना चाहता हूं, तो आई विल राइट डिटरमिनेंट एम माइनस एम ट्रांसपोज इनटू एम एंड देन करेक्ट दिस इज डिटरमिनेंट। ये एम फर्स्ट टर्म जो है एम है उसको आई इनटू एम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसको लिख सकते हैं i माइनस m ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय m। अब जरा देखो डिटरमिनेंट a इंटू बी, डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a टू डिटरमिनेंट b, ये तो हम जानते हैं डिटरमिनेंट a प्रोडक्ट डिटरमिनेंट b, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आ जाएगा ये डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस एम ट्रांसपोज इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एम एंड डिटरमिनेंट एम इज गिवन एज वन। तो इसकी जगह पर वन हो गया, तो एक्चुअली इट टर्न आउट टू बी डिटरमिनेंट, इट बिकम्स डिटरमिनेंट आई माइनस एम ट्रांसपोज, बट देर इज अ प्रॉपर्टी इन द डिटरमिनेंट विच सेज दैट अ मैट्रिक्स and its transpose have same determinant. Are you getting my point? तो मैं इसको लिख सकता हूं determinant of A, determinant A is determinant A transpose का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इसको लिखूंगा determinant of I minus M transpose whole transpose and therefore it is determinant of ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट्स, होप यू नो, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, आई ट्रांसपोज इज आई माइनस एम ट्रांसपोज, एम डबल ट्रांसपोज इज एम, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस एम विच इज डिटरमिनेंट ऑफ नेगेटिव ऑफ m minus i and which is minus 1 to the power 3 determinant of m minus i. The last kaun si property lagai, k into a ka determinant is k raised to the power order times determinant a, minus 1 cube is negative, it is negative of determinant of m minus i. देखो अगर मैं डिटरमिनेंट m माइनस आई को डेल्टा बोलता हूं तो ये हमारा आ गया माइनस डेल्टा, तो हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा, देयरफॉर डबल डेल्टा इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू जीरो। सो क्लियर है सबको, किसको वन समझ लिया साहब, मिस्टर एडगर, बड़े भाई, कोई डिटरमिनेंट किसी नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है सर जी, ऐसा कैसे सोच लिया आपने, ध्यान रखो इसका। अब जैसा मैंने बताया था कि कुछ और प्रॉब्लम्स करने से पहले एक डिटरमिनेंट का एक कॉन्सेप्ट रह गया था उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि कई सारी जो डाउट्स आपके हैं वो एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। अगर आपसे बोला जाए कि दो डिटरमिनेंट को आप कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेल टू डिटरमिनेंट्स आर सुइटेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, so what will be your answer, when do we can multiply two determinants, I'm waiting for your answer।
when can we multiply to two determinants? Always, because determinants are numerical values, they are numbers, and there is no restriction for multiplication of two numbers. Well, but if I ask you, when can we multiply two determinants without evaluating them? So then we'll say that two determinants can be multiplied without evaluating them if they are of same order. And the method of multiplication is just similar to matrices, that is row by column. जैसे अगर मैं दो डिटरमिनेंट लेता हूं और फिर मैं बोलता हूं कि जी देखो, एक डिटरमिनेंट है डेल्टा वन और एक डिटरमिनेंट है डेल्टा टू. है डेल्टा वन क्या है? एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट है से ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू एंड ए थ्री बी थ्री सी थ्री. और इसको एक दूसरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं डेल्टा टू, जिसके एलिमेंट है एल वन एल टू एल थ्री एम वन एम टू एम थ्री एन वन एन टू एन थ्री. तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो रो बाय कॉलम, जस्ट लाइक मैट्रिसेस, R by C method. Pre factor की रोज post factor के कॉलम से मल्टीप्लाई विद क्या आएगा? तो ये आएगा तुम्हारा बेटा ए वन एल वन प्लस बी वन एम वन प्लस सी वन एन वन. फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम ए वन एल टू बी वन एम टू सी वन एन टू. फर्स्ट रोज थर्ड कॉलम ए वन एल थ्री B1 M3 and C1 M3. Similarly, second row, first column A2 L1 B2 M1 C2 N1 A2 L2 B2 M2 C2 N2. Just matrices के product जैसा है. A2 L3 B2 M3 C2 N3. तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे क्या हो रहा है ना. ऐसा एक डिटरमिनेंट बन रहा, राइट. थर्ड रो ऐसे आ जाएगी ए थ्री फर्स्ट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ए थ्री एल वन प्लस बी थ्री एम वन प्लस सी थ्री एल वन एंड ए थ्री एल टू प्लस बी थ्री एम टू plus C3 N2 and last A3 L3 B3 M3 plus C3 N3. तो ठीक है, आपने मैट्रिसेस जैसा इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया. बट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि डिटर्मिनेंट की खास बात क्या है? इट्स अ नंबर और डिटर्मिनेंट की वैल्यू रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर चेंज नहीं होती. तो ये जो डेल्टा टू डिटर्मिनेंट है, डेल्टा टू, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर मैं बोलूं कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है तो आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट. एल वन एल टू एल थ्री एम वन एम टू एम थ्री एंड एन वन एन टू एन थ्री ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस डेल्टा वन बाय डेल्टा टू, द रिजल्ट विल बी सेम इफ यू मल्टीप्लाई डेल्टा वन बाय दिस वन. लेट अस कॉल इट डेल्टा टू डैश. दोनों केस में रिजल्ट सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं है. अगर दो नंबर सेम ही है तो प्रोडक्ट भी तो सेम ही आएगा साथ.
अब जरा देखो इसको, इन दोनों को हम रो बाय कॉलम से ही अगर मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, मतलब वन वन एलिमेंट होगा फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो यहां पर रो बाय कॉलम प्रोडक्ट जो आएगा इज सेम एज, मतलब डेल्टा वन और डेल्टा टू डैश में जो रो बाय कॉलम आएगा इज सेम एज रो बाय रो प्रोडक्ट इन डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बात फटाफट सब लोग यस करके, यस और नो करके बोलेंगे। आई रिपीट, मेरा सबमिशन ये है कि रो बाय कॉलम प्रोडक्ट, इफ यू डू रो बाय कॉलम प्रोडक्ट फॉर डेल्टा वन एंड डेल्टा टू डैश, यू विल गेट द सेम डिटर्मिनेंट व्हेन यू डू रो बाय रो प्रोडक्ट, रो बाय रो इन डेल्टा वन प्रोडक्ट डेल्टा टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट के केस में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैट्रिसेस में रिस्ट्रिक्शन है कि हमेशा रो बाय कॉलम मेथड से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट में आप रो बाय कॉलम से भी कर सकते हो और रो बाय रो से भी कर सकते हो और कॉलम बाय रो से भी कर सकते हो और कॉलम बाय कॉलम से भी कर सकते हो। तो आप लिख दो इसको, एक जगह मेंशन कर दो, क्या मेंशन करोगे लिखो, तो लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, मींस बाय टेकिंग ट्रांसपोज, देयरफॉर वी कैन ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स बाय रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम और कॉलम बाय रो मेथड। तो हमें डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए चार मेथड्स अवेलेबल है, क्या आपकी मर्जी है आप रो बाय कॉलम से करो या रो बाय रो से करो या कॉलम बाय रो से करो या कॉलम बाय कॉलम से करो, वही सेम डिटर्मिनेंट बनेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी। कुने, जो मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको बताया जा रहा है ये सिर्फ सेम ऑर्डर के दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। मतलब मैंने बोला कि जब दो डिटर्मिनेंट सेम ऑर्डर के हैं तभी उनको मैट्रिक्स जैसा ट्रीट करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मेथड यूज कर सकते हैं, बस और किसी और के लिए नहीं। डिफरेंट ऑर्डर के हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के उनको इवेल्युएट करके दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसको आप तरह तरह से अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिखा सकते हो, अलग बात है। लेकिन बिना इवेल्युएट किए हुए, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट दे मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर एंड द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ मैट्रिसेस रो बाय कॉलम, बट इंस्टेड ऑफ रो बाय कॉलम यू कैन गो बाय रो और कॉलम बाय रो या कॉलम बाय कॉलम मेथड एज वेल, दैट्स इट। अब देखो जैसे अगर मैंने बोला कि ये दो डिटर्मिनेंट है ए एंड बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैलकुलेट करो, राइट, तो आप पहली बात ये है कि डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो आ जाएगा पहले का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो और दूसरे का फाइंड कर लो और इवेल्युएट कर लो। जैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने बोला कि C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस डबल C2 कर दो, ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, डिटर्मिनेंट ए जो है ऐसा दिखेगा 290 एंड 341 एंड इसका डबल इसमें सेपरेट किया यहां आ गया 1, इसका डबल इसमें से गया तो -6 आ गया और इसका डबल नहीं रादर ट्रिपल सेपरेट करो, ट्रिपल तो 9-2 आ गया, -10 आ गया और यहां पर आ गया 0।
अब इसको इवेलुएट कर लो तो आ जाएगा तुम्हारा -20 +18, इट इज इक्वल टू -2 का नेगेटिव, तो +2 आएगा। तो जैसे आपने डिटरमिनेंट ए कैलकुलेट किया, ऐसे आप डिटरमिनेंट बी कैलकुलेट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ए बी मैट्रिक्स भी फाइंड कर लो, ए बी मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं ना, कुछ ऐसा आएगा, ए बी मैट्रिक्स कुछ ऐसा आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो दिख ही रहा है कि 2 1 2 एंड 9 7 7 63 +2 65। ऐसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैलकुलेट करो तो 4 + 18 22 + 56, 22 + 56 78 एंड सो ऑन। ऐसा आप डिटरमिनेंट ए बी कैलकुलेट कर लो, ये एलिमेंट सारे एलिमेंट कैलकुलेट कर लो, तो ये जो डिटरमिनेंट आएगा ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, तो डिटरमिनेंट ए बी और डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी का जो प्रोडक्ट आएगा ये इक्वल आएगा। ये करके आप देख सकते हो, ये वेरीफाई कर सकते हो, और एक बार वेरीफाई कर लिया तो आपको याद रखना है कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट करने का प्रोसीजर सेम है। डिटरमिनेंट ए इंटू बी इंटू सी विल बी डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट सी। और एक बात और भी मैंने बताई थी कि ऑल्दो ए बी मैट्रिसेस में ए बी और बी ए दो अलग मैट्रिसेस होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हमेशा, बट डिटरमिनेंट ए बी और डिटरमिनेंट बी ए सेम होगा। तो ए बी बी ए अनइक्वल हो सकते हैं बट उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो ये तो हुआ कि दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते, राइट। हमारा कंसर्न मल्टीप्लीकेशन नहीं है, हमारा कंसर्न तो कुछ और है। हमारा कंसर्न ये है कि अगर एक बड़ा डिटरमिनेंट है, कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट है, तो उसको दो सिंपल डिटरमिनेंट के फैक्टर में ब्रेक कैसे करें, दिस इज व्हाट वी विश टू डू। तो उसका तरीका क्या है वो वर्कआउट करने जा रहे हैं, वो समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिख दो, ब्रेकिंग अ डिटरमिनेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। तो यही आर्टिकल है जिसके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लिखेंगे ब्रेकिंग अ डिटरमिनेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। अब मैं पूरा प्रोसीजर समझाऊं, उससे पहले देखो, पहली बात तो ये है कि ये कोई प्रोसीजर नहीं है, ये कोई मैं एल्गोरिदम जैसा मैं आपको बताऊंगा जरूर, बट ये वेल डिफाइंड और डेफिनेट मेथड नहीं है, इसमें बहुत सारा अनसर्टेन एलिमेंट है। तो आपको जस्ट वर्कआउट करना है और यूज टू होना उस प्रोसेस के लिए। गारंटेड नहीं है कि हमेशा ब्रेक हो जाएगा और यूनिक तरीके से ब्रेक होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे देखो, एक सिचुएशन मैं लेता हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, कि मान लो एक डिटरमिनेंट है ऐसा डेल्टा और उसके एलिमेंट कुछ ऐसे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। यहां पर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहां पर है जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब जो मैं बता रहा हूं काफी इंटरेस्टिंग है और सिंपल है, बट अगर आप समझेंगे नहीं ठीक से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं, ये होगा भी नहीं आपसे, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अब यहां पर एलिमेंट है वाई एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स जेड, यहां पर एलिमेंट है वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यहां पर एलिमेंट है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये एलिमेंट है एक्स जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एंड दिस इज जेड वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, एंड दिस इज जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ऐसा एक डिटरमिनेंट है, बोला गया इसको इवेल्युएट करो, राइट। तो इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए क्या बताया जा रहा है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। पहले तो आप डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट को देखो, ये एलिमेंट
ये एलिमेंट जो है वो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये जो डिटर्मिनेंट जिसको हम लोग इवेल्युएट करने जा रहे हैं ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, से इट इज डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू, तो ये वन वन एलिमेंट कैसे बना होगा? वन वन एलिमेंट डेल्टा वन का फर्स्ट रो और डेल्टा टू का फर्स्ट कॉलम से बना होगा, अगर रो बाय कॉलम मेथड से फॉलो किया गया होगा तो। ऐसे ही वन टू एलिमेंट कैसे बना होगा? आर वन सी टू। वन थ्री एलिमेंट कैसे बना होगा? आर वन सी थ्री। ये कैसे बना होगा? आर टू सी वन, ये आर टू सी टू, ये आर टू सी थ्री, ये एलिमेंट आर थ्री सी वन, आर थ्री सी टू एंड आर थ्री सी थ्री। सबसे पहले यही समझना है कि भाई अगर ये दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो वन वन एलिमेंट आया कैसे होगा? डेल्टा वन डेल्टा टू को मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो वन वन कैसे बनता है? तो यहां से फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये बना होगा। जब मैं रो बाय कॉलम से सोच रहा हूं, मैं आर वन भी लिख सकता हूं, इसको आर वन आर वन, आर वन आर टू, आर वन आर थ्री, ऐसे सोच सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को देखो, कंसिडर ए वन वन और इस ए वन वन को दो रो वेक्टर, दो वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं ये वन वन को प्रेफरेबली मैं एक तरीके से लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो जो मैं लिखूंगा वो सही हो। आप बोलोगे क्या बात हो रही है, सही नहीं है तो लिख क्यों रहे? देखो समझो, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप 36 को दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखो, तो भाई कोई 4 × 9 भी लिख सकता है, कोई 9 × 4 भी लिख सकता है, कोई 3 × 12 भी लिख सकता है, कोई 6 × 6 भी लिख सकता है, कोई 12 × 3 भी लिख सकता है, और कोई 36 × 1 भी लिख सकता है, कोई 13 × 36/13 भी लिख सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी नंबर को दो नंबर के यूनिक प्रोडक्ट फैक्टर में ब्रेक करना ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जब रियल फैक्टर में ब्रेक करें तब तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है। हम लोग इन्फिनिट में से कोई एक पॉसिबिलिटी को अडेप्ट करने जा रहे हैं तो ये पूरा तुक्का कंप्लीट गेस वर्क है, बट इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव इंट्यूशन के बेसिस पे चलेंगे और सीखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने इसको x × x y × y z × z लिख दिया, तो मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखो एक फैक्टर रो है p फैक्टर का, डेल्टा वन का रो है, और जो बच गया एलिमेंट हो दूसरे वाले का कॉलम है। ये एज्यूम करते हुए मैंने बोला कि प्री फैक्टर की रो है x y z और पोस्ट फैक्टर का कॉलम है x y z। अब आप में से कोई बोल सकता है सर ये क्यों नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां लिखो 2x, यहां लिखो y और यहां लिखो 3z और दूसरे एलिमेंट को लिखो x by 2 और y और z by 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पॉइंट ये है कि इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते 2xy 3z 2xy ZZZ और उधर फर्स्ट कॉलम लिखो x by 2 y z by 3 तो भी तो यही आएगा ना, मल्टीप्लाई करके यही एलिमेंट बनेगा x² + y² + z² When you question like this, I would say that yes, यही बात मैं बताना चाह रहा था कि देर आर इन्फिनेट नंबर ऑफ वेज यू कैन ब्रेक अ पर्टिकुलर एलिमेंट इनटू वन रो वेक्टर एंड वन कॉलम वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम वेक्टर्स। तो भी मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि मैंने थोड़ा ये भी देखा कि चलो मैं ऐसा ले भी लेता हूं तो जब मैं सेकेंड रो बनाऊंगा, यहां सेकेंड कॉलम लिखूंगा, इसका प्रोडक्ट सेकेंड कॉलम करके ये एलिमेंट बनेगा क्या? तो नहीं बनेगा। इसलिए हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा व्हाइल ब्रेकिंग एनी स्पेसिफिक एलिमेंट इनटू अ रो एंड प्रोडक्ट, रो एंड कॉलम वेक्टर प्रोडक्ट, यू हैव टू टेक केयर दैट द सिमिलर द सेम ब्रोकन रोज एंड कॉलम विल फॉर्म द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट एज वेल। तो
चलो अभी तो बन रहा है, ये बन रहा है। अब इसके बाद इस एलिमेंट की बात करें ना, इसकी एक्स वाई जेड, तो यहां क्या हो गया वाई जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बन गया। अब मैं जरा इस एलिमेंट की बात कर लेता हूं, इस एलिमेंट की, टू टू एलिमेंट की, टू टू एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम तो डिसाइड हो चुका है, तो सेकेंड रो क्या होगी ये देखना, सेकेंड रो क्या होगी, वाई स्क्वायर है तो वाई जेड एक्स, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से ये एलिमेंट फॉर्म हो जाना चाहिए। हो रहा है फॉर्म, देखो ये वाला एलिमेंट फॉर्म हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि थर्ड रो क्या होगी, तो ये वाला एलिमेंट को देख लो, ये वाले एलिमेंट को, या किसी भी एलिमेंट को देख लो, इसको देख लो, इसको, ये कौन सा है, थ्री टू, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, जेड वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, और यहां थ्री थ्री एलिमेंट को अगर चेक कर लो तो यहां भी आना चाहिए जेड एक्स वाई। तो व्हाट वी एट द एंड, व्हाट वी कंक्लूडेड, वी हैव कंक्लूडेड दैट ये जो डिटर्मिनेंट आया और ये जो डिटर्मिनेंट आया, इनको मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, और ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो ये आ गया तुम्हारा, मान लो इसको डेल्टा वन बोलेंगे तो भी क्या रहा है, डेल्टा वन, तो ये डेल्टा वन स्क्वायर आ गया, राइट। अभी डेल्टा वन हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, है ना, डेल्टा वन की वैल्यू क्या है, तो ये डेल्टा वन को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, डेल्टा वन इज नथिंग बट, डेल्टा वन तुम्हारा था एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई। If I say C1 replaced by C1 plus C2 plus C3, so it comes out to be X plus Y plus Z, first column के सारे element में ये आ जाएगा common, फिर आ जाएगा 1, 1, 1 and Y, Z, X and Z, X, Y, फिर इसके दो दो जीरो बना लो, तो R2 replaced by R2 minus R1 कर दो and R3 replaced by R3 minus R1 कर दो, तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर वन वाई जेड, यहां पर जीरो जेड माइनस वाई एंड एक्स माइनस जेड, यहां पर जीरो एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, फिर इसको इवेलुएट कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय क्या है, नेगेटिव ऑफ जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, एक्चुअली ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इंटू माइनस वन, नेगेटिव बाहर। फाइनली अगर इसको ध्यान से देखो, इससे यू आर फेमिलियर विद दिस एक्सप्रेशन, इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, दिस इज द वैल्यू। तो ये डेल्टा वन की वैल्यू है, इसी का स्क्वायर करके वो आंसर आ गया। तो तुम्हारा जो मैंने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया दैट इट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस ट्रिपल एक्स वाई जेड का स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन, ये अगर मुझे रो कॉलम ऑपरेशन करके इसको रिड्यूस करना होता तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क था, बहुत लेंदी हो जाता एक्सप्रेशन। बट हमने इसको दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक किया, और ब्रेक करके फिर वो सिंपल डिटरमिनेंट था, साइक्लिक था। अच्छा, ये भी एक साइक्लिक डिटरमिनेंट था, ये भी एक तरह से देखो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट था, तो दो ये जो बना वो भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इनटू सिमेट्रिक इज सिमेट्रिक, तो ये बन गया। और इसको इवेल्युएट करना आसान था, इवेल्युएट कर लिया, आंसर आ गया। तो ये इलस्ट्रेशन लेने का सिर्फ पर्पज था कि मैंने आपको दिखाया कि प्रोडक्ट में ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं। अब आप बोलोगे इसका कोई वेल डिफाइंड मेथड है, कोई वेल डिफाइंड स्टेप्स है, तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल सीरियसली
स्पीकिंग इसका कोई वेल डिफाइंड मेथड नहीं है। मैं आपको कुछ एल्गोरिदम, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे ट्राई करो और हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा याद रखो एक ही डिटरमिनेंट को इनफिनाइट पेयर ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इनफिनाइट पेयर ऑफ डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए वेल डिफाइंड एल्गोरिदम तो भूल जाओ, नहीं, प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आदत डालो ये ब्रेक करने की। तो मैं एक गाइडलाइन आपको बता रहा हूं, वो गाइडलाइन चाहो तो आप नोट कर सकते हो और फिर चार पांच जब सम्स करेंगे ना तब जाकर के आपको कंफर्ट आएगा। तो पहले तो गाइडलाइन देख लो, क्या गाइडलाइन है जी, कि सबसे पहले डायगोनल सिमेट्री ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो कि जो गिवन डिटरमिनेंट है वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, साइक्लिक है, कैसा है। तो उसका डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट को देखो और दूसरा एलिमेंट की खुद के एक्सप्रेशन को देखो कि एलिमेंट का एक्सप्रेशन साइक्लिक तो नहीं। ऑब्जर्व द सिमेट्री ऑफ एलिमेंट एंड मेक श्योर वेदर द एलिमेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो आप, रेंडमली कोई भी आई जेथ एलिमेंट ले लो उस डिटरमिनेंट का और उस आई जेथ एलिमेंट को आप एक रो और एक कॉलम वेक्टर के प्रोडक्ट में ब्रेक करो। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रेफरेबली ये जो आई जेथ एलिमेंट को आप डायगोनल एलिमेंट लेंगे तो ज्यादा फास्ट होगी प्रोसेस, क्योंकि जैसे वन वन एलिमेंट से आपको आर वन सी वन मिल जाएगा, प्री फैक्टर का रो वन और पोस्ट फैक्टर का एक कॉलम मिल जाएगा, टू टू एलिमेंट से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मिल जाएगा और थ्री थ्री से थर्ड एंड थर्ड कॉलम मिल जाएगा। अगर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट लेते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, जैसे वन वन लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिल गया, अब वन टू लिया तो फर्स्ट रो तो है ऑलरेडी मिली हुई है, सेकेंड कॉलम मिला पोस्ट फैक्टर का। तो दो बातें मैं बता रहा हूं, डायगोनल एलिमेंट से आपका स्पीड फास्ट होगा लेकिन डायगोनल एलिमेंट से गलत रास्ते पर जाने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो आपको मिक्स यूज करना है, एक डायगोनल एलिमेंट लिया तो काउंटर चेक करने के लिए एक नॉन डायगोनल ले लिया, फिर से एक डायगोनल ले लिया, फिर एक नॉन डायगोनल ले लिया, ऐसे करके आप ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस करोगे कि मिक्स करके अप्लाई करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। इसका सेकेंड स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या है कि अब जब आप स्टेप टू को कैरी आउट कर रहे हो तो आईजीएथ एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट रखोगे तो टाइम बचेगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको इवेल्युएट करो फटाफट, इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट बाय ब्रेकिंग देम इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, दो फैक्टर में ब्रेक करके इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करो। तो पहला एलिमेंट को हम लोग फोकस कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को ए एक्स प्लस बी वाई, तीन टर्म का सम होना चाहिए, तो तीसरा टर्म नहीं है तो उसको जीरो लिखा जा सकता है, एक्स ए इंटू एक्स बी इंटू वाई। सिमेट्री से देखो तो ए बी सी इस्तेमाल हो रहा है, एक्स वाई जेड इस्तेमाल हो रहा है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तो साइक्लिक हो रहे हैं एलिमेंट्स के जो स्ट्रक्चर को देखो तो यहां पर मैं सी इंटू जीरो लिख सकता हूं या जीरो इंटू सी लिख सकता हूं। तो इंट्यूटिवली एक तरह से गेसवर्क ही कर रहा हूं मैं कि यहां पर मैंने लिख दिया ए बी एंड सी, यहां लिख दिया एक्स वाई जीरो। अच्छा यहां पर मैं सी ना भी लिखू ना, यहां पर कुछ भी लिखो तो चलेगा, जीरो लिखो तो भी चलेगा,
सी लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं होगी, तो मैंने एक कोई केस जीरो रख दिया अभी। अब आ जाते हैं दूसरे एलिमेंट पे, कौन से एलिमेंट पे जाए, तो चलो इसी पे आते हैं, टू टू एलिमेंट पे। तो टू टू एलिमेंट क्या है, बी वाई सी जेड प्लस जीरो इंटू जीरो। अब मैंने इसमें क्या लिखा, बी वाई वाई सी जेड, तो हमने लिखा बी सी जीरो और यहां पर वाई जेड जीरो। अब तीसरा एलिमेंट डायरेक्टली दिख रहा है कि सी ए जीरो एंड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जीरो साइक्लिक है। जब हम ऐसे डायगोनल से जाते हैं ना तो बहुत जल्दी से हम रिजल्ट तक अराइव कर जाते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। जैसे चेक तो करना पड़ेगा ना कि जो आपने बनाया उससे क्या ये वाला एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ये कौन सा एलिमेंट है, वन थ्री पी वन थ्री फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चेक करो, ए जेड प्लस बी एक्स गुड फॉर्म हो रहा है। तो रेंडमली नॉन डायगोनल एलिमेंट से क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। तो एक थंब रूल हमने बनाया कि हम लोग डायगोनल एलिमेंट के अक्रॉस ब्रेक करेंगे और बीच में नॉन डायगोनल एलिमेंट से कम एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट भी फॉर्म हो रहे हैं कि हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से क्रिएट करते जा रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया, जिसको जिसको ब्रेक करना समझ में आ रहा है जस्ट लेट मी नो। अरे भाई बता तो दो यार, कोई राज की बात है क्या, कुछ तो ना, जब सम्स और करोगे तो और कंफर्ट आएगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, पहले तो सबसे पहले दिमाग में ये डाल देना है कि ये डिफिकल्ट नहीं है, इसमें गेस वर्क जैसा है, तुक्केबाजी जैसा है, इसलिए खेलने में मजा आएगा आपको। आप गलतियां होंगी, गलतियां नहीं होंगी, जो भी करोगे आप सही करोगे, लेकिन उसे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो आप मिलना चाहेगा वो नहीं मिलेगा। फिर से करेंगे कई बार ऐसा होगा, दो तीन बार ट्राई करने के बाद में होगा, लेकिन जब एक बार होने लग पड़ेगा फटाफट होने लग पड़ेंगे। तो पेशेंस रखना है, क्वेश्चन करते जाना, राइट। तो थोड़े और सम्स करते, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का इस्तेमाल भी करते रहना है। जैसे एक एक ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। ओके, अब जरा देखो, अगर n जो है ऑर्डर होता है, n अगर 3 है तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी देख लेता है, एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज, वही होता है डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो कभी कभी हम ऐसे देख लेंगे कि इस जो डिटरमिनेंट है उसको देखा, फिर हमें लगा यार इसके एलिमेंट तो किसी दूसरे डिटरमिनेंट के कोफैक्टर्स हैं। तो जैसे आपने गिवन डिटरमिनेंट को कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑब्जर्व कर लिया, तो आपको ये प्रॉपर्टी सही है कि ये दो डिटरमिनेंट के एक डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगा, तो वो डिटरमिनेंट को उसी से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो बहुत सारी बातें जो आप पढ़ रहे हो ना वो इस्तेमाल हो जाएंगी, कब क्या स्ट्राइक कर जाएगा वो अलग बात है। अभी मैं बता रहा हूं कि अगर कुछ ना स्ट्राइक करे तो कैसे आप ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल से कैसे करेंगे। तो ये वाला हमने करके दिखाया क्या प्रोसीजर था, मैंने वन वन एलिमेंट लिया फिर उसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से रैंडमली कोई एक तरीके से हमने ब्रेक कर दिया, ए बी एक्स वाई, कोई लिखेगा 2a 2b x by 2 y by 2 चलेगा, बट उससे अगले वाले एलिमेंट बनेंगे नहीं बनेंगे ये देखना पड़ेगा, हो सकता है उससे भी बन जाए तो दूसरे तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे हमने रोज और कॉलम आइडेंटिफाई करते गए, तो ऐसा बन गया ए बी जीरो बी सी जीरो सी ए जीरो एक्स वाई जीरो वाई जेड जीरो जेड एक्स जीरो। अब मैं यहां एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर ए बी सी लिख देता, यहां बी सी ए लिख देता, यहां सी ए बी लिख देता, तो भी आंसर वही आता। और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो ही आती। तो ये वाले कॉलम में, इस कॉलम में आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे ही इस रो में आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब है, इसे प्रूफ भी होता है कि एक डिटरमिनेंट को
दो डिटरमिनेंट के फैक्टर में ब्रेक करने के इंफिनिट वेज है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिख दो। An even ordered skew symmetric matrix can be written as a square of a matrix having symmetric element. तो एक skew symmetric matrix जो होता है अगर even order का है तो perfect square होता है। तो वो एक symmetric matrix का square के form में लिखा जा सकता है। दूसरा, any odd order skew symmetric matrix can be split into product of two matrices of which at least one is singular. क्योंकि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है, वो सिंगुलर होता है। तो वो अगर दो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ब्रेक होगा, दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक होगा, तो दोनों में से कम एक क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ऐसे इफ अ गिवन मैट्रिक्स ए एंड सी, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और सी उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी इज डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, जो अभी मैं बता रहा था। और अगर ऑर्डर एन जो है थ्री है तो ये परफेक्ट डिटरमिनेंट सी हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। तो ये था तुम्हारा कुछ बेसिक बातें जो प्रॉपर्टीज में आपने करी थी, वो कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाएंगी, तो आपको उसको दिमाग में रखना है। अब ये अगला क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूं ये हम लोग कर चुके हैं, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और उसको करेंगे। ये कर दिया था आपने ना, यही एग्जांपल देके मैंने बताया था, करो फटाफट। फर्स्ट एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, वन वन एलिमेंट को, तो इट इज रिटन ए बी जीरो, बिकॉज दो टर्म है ना, तो एक तीसरा टर्म जीरो ले सकते हैं। यहां पर भी ए बी जीरो, रो बाई कॉलम फॉलो कर रहा हूं। बी सी, तो सिमिलरली अगर देखो तो बी सी जीरो और यहां पर बी सी जीरो लिख दिया, तो मैंने इंश्योर किया कि वन वन एलिमेंट फॉर्म हो जाए करेक्टली और टू टू एलिमेंट करेक्टली फॉर्म हो जाए। बट इस प्रोसेस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन वन बन रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम टू टू बन रहा है, बट लेट्स चेक कि ये बन रहा है कि नहीं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए बी प्लस बी सी बन रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बी ए प्लस सी बी बन रहा है, तो ये एलिमेंट भी फॉर्म हो रहा है और ये भी फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे। अब थर्ड सिमेट्री से देखो तो साइक ए बी बी सी सी ए सी ए जीरो और यहां पर भी सी ए जीरो। आई विल अगेन रिपीट, ये यहां पर मैं कोई एलिमेंट रख सकता हूं अगर यहां जीरो है तो, ऐसे ही यहां पर अगर मैं जीरो रखना चाहता हूं तो यहां पर मैं कुछ भी रख सकता हूं, बट दोनों को नॉन जीरो नहीं कर सकते एक साथ। अब अच्छी बात क्या है, ये भी सिंगुलर ए भी सिंगुलर, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या गई जीरो, ये डिटरमिनेंट जीरो हो गया।
अब ये जो मेथड आपने किया इससे आसान और कोई तरीका नहीं है इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करने का। रो ऑपरेशन से भी इवेल्युएट होगा लेकिन रो ऑपरेशन से करने में आपको टाइम लगेगा। तो ये आसान है नो डाउट अबाउट इट, बट मतलब डिटरमिनेंट का इवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है लेकिन ये ब्रेक करना अपने आप में टफ है, तो इस पर थोड़ी आपको प्रैक्टिस और चाहिए। चलो इक्वेशन और करते हैं। अब अगर ये दोनों आपने कर लिया, अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिया अपने आप, तो आप कॉन्फिडेंट रहो, आप कोई भी मिलेगा ना तो आप ट्राई आराम से मार सकते हो और मोस्टली आप सक्सेसफुल रहेंगे। फटाफट ये दोनों इवैल्यूएट करो। अरे कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस्टर शिवांश? वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, मैं लास्ट में डिस्प्ले कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है। वो जो इंपॉर्टेंट एक दो बातें बताई थी ना कि को फैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाता है 3/3 में, सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक के प्रोडक्ट में ब्रेक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर इवन ऑर्डर का होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो किसी डिटरमिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। वो ये गाइडलाइंस है, उसमें कुछ खास बात नहीं है, पहले एज अ प्रॉपर्टी आप कर चुके हैं, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करके कहीं कहीं पर वो चीज हेल्प कर सकती है, यही मैंने बताया था। फिर भी मैं दोबारा भी डिस्प्ले कर दूंगा क्लास के एंड में, डोंट वरी। आगे इस क्वेश्चन को करिए पहले फटाफट। पहले में ये वन वन एलिमेंट को क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही इस तरह के सिचुएशन में आपका इंट्यूशन वर्क करेगा। जैसे इसको ब्रेक करने के लिए क्या क्या रखें, कैसे चूज करेंगे एलिमेंट को, तो एक पॉसिबिलिटी, हालांकि कई पॉसिबिलिटी बट एक पॉसिबिलिटी मैं दिखा रहा हूं आपको, ए स्क्वायर 2a एंड 1। या माइनस 2a भी लिख सकते हो। तो एक रो मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस 2a और 1, और उधर 1x x स्क्वायर, रिपीट 1x। एक एलिमेंट पर आपको एफर्ट डालना होगा, फिर सिमेट्रिकली सारे बनेंगे, तो 1x x स्क्वायर लिख दिया। अब उसी सिमिलर वे से अगर जाए और 2-2 एलिमेंट के बारे में सोचे तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 2b1, और यहां 1y स्क्वायर। cz को जाए तो आएगा c स्क्वायर माइनस 2c1 एंड 1zz स्क्वायर। यहां पर मैंने इस फॉर्मेट में ब्रेक करने के पहले कुछ ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट रो abc और x में जो रिलेशन है, सेकंड रो में abc एंड y है, थर्ड में z है। एक x y z वाला डिटरमिनेंट सेपरेट करने की कोशिश करी और ए बी सी वाला सेपरेट करने की कोशिश करी। अब मैंने देखा कि ये जो फर्स्ट फैक्टर है प्री फैक्टर, यहां से मिडिल कॉलम से माइनस 2 कॉमन ले लो तो आ गया माइनस 2 टाइम्स। अच्छा एक और चीज चेक कर लो कि क्या बाकी एलिमेंट बन रहे कि नहीं, तो R1 C2 चेक कर लेते हैं। R1 C2 क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस y स्क्वायर।
इट इज ए माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहां पर बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहती है, तो गड़बड़ हो गया। बट थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आर वन सी टू जो है वो एक्चुअली टू वन एलिमेंट की पोजिशन पे, टू वन पोजिशन पर है, तो ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट नहीं चेंज होता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और चेक कर लेते हैं, आर टू सी वन, आर टू सी वन करेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ठीक है ट्रांसपोज हुआ तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से माइनस टू कॉमन ले लो तो माइनस टू टाइम्स क्या आया, बोलो, ए स्क्वायर ए वन, बी स्क्वायर बी वन, सी स्क्वायर सी वन, इसको रोल कर दो, इस वाले को रोल कर दो ऐसे, तो यहां आ जाएगा और इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो ये बेसिकली आ गया टू टाइम्स वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दूसरा वाला है वन 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 एक्स वाई जेड एन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो बेसिकली फाइनल आंसर आएगा टू टाइम्स, ये भी सर्कुलेट है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये हो गया। वैसे इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन करो, फोर्थ आज के लिए भी लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। बोला गया स्प्लिट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स एंड हेंस इवैल्यूएट इट। अब यहां पर देखो ट्रबल सिर्फ ये है कि एक तो ये एलिमेंट है कॉस बीटा माइनस अल्फा, क्या होता है ये कॉस बीटा माइनस अल्फा, कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा, उसी सिमेट्री में अगर वन वन एलिमेंट को लिखना चाहे तो वन वन एलिमेंट क्या है, कॉस जीरो वन, और जीरो को लिख सकते हैं अल्फा माइनस अल्फा, एक सिमेट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब अल्फा माइनस अल्फा, ये वाला एलिमेंट बीटा माइनस बीटा, ये वाला कॉस गामा माइनस गामा हो जाएगा, तो अब ब्रेकिंग करेंगे तो डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म होंगे वो देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, यहां पर कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो, टू टू कॉस बीटा साइन बीटा जीरो, यहां पर कॉस बीटा साइन बीटा जीरो। अब देखो वन वन एलिमेंट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन फॉर्म हो गया, वन टू एलिमेंट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा फॉर्म हो गया, टू वन एलिमेंट कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस अल्फा भी फॉर्म हो गया, तो तीसरा आप समझ में आ गया, कॉस गामा साइन गामा जीरो और यहां पर भी कॉस गामा साइन गामा जीरो, तो डिटरमिनेंट वैल्यू अभी भी क्या गई जीरो। तो हमने कुछ फोर फाइव डिटरमिनेंट्स लिए जिसको हमने ब्रेक किया दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में, तो जो आपको गेम मिली हुई है गेम नाइन गेम एट गेम सेवन, गेम सेवन देखो तो गेम सेवन में क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20, चलो ये तो सारे मैंने डिस्कस भी कर दिए, तो गेम सेवन के तो सारे क्वेश्चन हो ही गए है ना। अब आप गेम सेवन कंप्लीट कर सकते हो, गेम एट कंप्लीट कर सकते हो, गेम नाइन कंप्लीट कर सकते हो,
तो नाइन गेम, नाइन्थ गेम तक सारे सम्स कर सकते हो। तो एक लेक्चर और पेंडिंग है इस टॉपिक पर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, देखो एक तो पहली बात तो कल आपका एक टेस्ट है, आपको बताया गया होगा, है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? कल आपका एक टेस्ट है, जेई मेन लेवल का फर्स्ट टेस्ट है, तो परसों आपकी रेगुलर क्लास है वेंसडे को, फिर थर्सडे को भी मैं क्लास लूंगा एक्स्ट्रा, इसी टाइम पर, सेम टाइम पर थर्सडे को क्लास लूंगा, आपको मैसेज भी चला जाएगा। ऑल्दो जैसा कि आपको बताया होगा जितेंद्र सर ने, कि आपके जो क्लास के डेज हैं वो अल्टरनेट रखे हैं मैंने, मंडे वेंसडे फ्राइडे, बट जो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला डे है उस पे भी जरूरत पड़ने पर हम लोग क्लास ले सकते हैं, जब हमें लगेगा कि सिलेबस को थोड़ा मतलब स्लो हो रहा है, या अगर हमें लगेगा कि नहीं जी प्रैक्टिस थोड़ी और करनी है क्वेश्चंस की, आपके डाउट लेने, तो मैं उसी स्लॉट में आपके वो क्लासेस लूंगा। ठीक है, कल टेस्ट के लिए है, प्रिपेयर करके कल का टेस्ट दो, परसों क्लास के बाद में मैं थर्सडे वाली क्लास के बारे में बताऊंगा, बट मान के चलो कि थर्सडे को इसी टाइम में एक क्लास होगी एक्स्ट्रा। तो अब आपका डिटरमिनेंट से रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं बताना है, एवरीथिंग यू नो रिगार्डिंग डिटरमिनेंट, खूब डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करो। मैट्रिसेस में इनवर्स मैंने एक मेथड से बताया, तो जो अगली क्लास होगी मतलब डे आफ्टर टुमारो, उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेंट एंड यूजिंग मेथड ऑफ मैट्रिसेस, और उसके साथ साथ जो है इनवर्स निकालने की कुछ और टेक्निक्स बताएंगे, दो टेक्निक और है इनवर्स निकालने की, तो वो आपको बताऊंगा सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, कोई ट्रबल है तो आप बोल सकते हैं। ओके, हाँ अनिश तुम बोल रहे थे कि पीछे एक स्लाइड को दिखाने का, तो मैं उसको देख लेता हूं, ये देख लो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ये थी स्लाइड, बाकी लोग फ्री हैं? हाँ एडगर बोलो, जिसको डाउट है वो पूछ सकते हैं कुछ भी। गेम एट क्वेश्चन सेवन, गेम एट का क्वेश्चन सेवन, क्या प्रॉब्लम है बेटा गेम एट क्वेश्चन सेवन में? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then prove that AB equal to 0, determinant AB 0 implies either A or B is singular. इसमें क्या दिक्कत है भाई? Game 8 question number 7 की बात कर रहे हो आदित्य? देख लो जी, determinant AB 0 है, बाई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी में ब्रेक हो गया, जीरो है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो का मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज आइदर डिटर्मिनेंट ए जीरो और डिटर्मिनेंट बी जीरो, तो एटलीस्ट वन इज सिंगुलर। ये मैट्रिसेस का ऐसा ही सिमिलर एक प्रॉब्लम होता है, वो अच्छा है, वो मैं बाद में कराऊंगा। उसमें है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, वो किया भी था हमने ना, कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता, वो अलग चीज है। बट एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है इसी तरह का, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और कोई डाउट किसी का? सेवनटीन गेम एट का ही
फॉर अ मैट्रिक्स ए ए क्यूब इज आई देन ए इनवर्स इज, अरे भाई ए क्यूब अगर आई है तो इनवर्स रेसिप्रोकल नहीं होता है जी, ये सीधे सीधे आप बोलोगे कि ए स्क्वायर ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए तो लिख सकते हो ना, और ये आई है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज इनवर्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, अगर ए में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर इनवर्स हो गया, दैट्स इट सिंपल। अरे सिंपल सी बात है, इफ ए बी इज इक्वल टू आई इंप्लाइज बी एंड ए आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यही तो फंडामेंटल डेफिनेशन है, बाकी सारी कहानी तो बात की है। और बोलो 18th, A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct? Determinant A inverse is equal to determinant A की power minus 1, B, सही है जी, देखो, A into A inverse I होता है, तो determinant of A into A inverse 1 होगा, I का determinant 1 होता है, फिर determinant A into determinant A inverse 1 हो गया, तो ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है 1 बाय डिटरमिनेंट ए हो गया, तो यही तो है ना उसमें, कि जो इनवर्स का डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, और बोलो हर्षवर्धन तुम क्या बोल पूछ रहे बेटा, ए क्यूब का इनवर्स ए इनवर्स का क्यूब है, यही प्रूव करना है ना, तो मैंने आपको बताया कि ए क्यूब को ए इनवर्स का क्यूब से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ए क्यूब मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आई हो गया, फिर ये आई हो गया, फिर आई आई आ गया, दैट्स इट खत्म। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये आरएचएस जो है वो ए क्यूब का इनवर्स है और ए क्यूब जो है आरएचएस का इनवर्स है। डन, एनी अदर डाउट, किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है फटाफट बोलो। ओके, देन कैरी आउट क्वेश्चन करते रहो, कल टेस्ट देंगे सब लोग टाइमली।